रायगढ़ में आज अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्रवीण तिवारी के निर्देश पर सीमांकन करने के लिए आरआई और पटवारी की टीम जूट मिल लेबर कॉलोनी के पीछे सीमांकन करने के लिए पहुंची और सीमांकन किया गया। दरअसल बीते दिनों शिकायतकर्ता जितेंद्र निषाद के द्वारा लिखित शिकायत की गई थी कि बेसकीमती सरकारी एवं 80 वर्ष पुराने गर्भ तालाब को भी कब्जा कर पाटा जा रहा है। शिकायत पर सीमांकन कर पंचनामा की कार्रवाई की गई। पंचनामा में उल्लेखित किया गया कि क्षेत्र में हुए सीमांकन में कुछ भाग शासकीय भूमि है और तालाब भूमि को भी पाटा जाना पाया गया। साथ ही गर्म तालाब के मेट को भी काट कर पाटा जाना पाया गया। भूमाफियों के द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा एवं तालाब को पाटा जाना पाया गया। अब देखना यह होगा कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा इसमें आगे क्या कार्रवाई की जा रही है। अभी तो शुरू से जो जिन लोग पाट रहे थे उनको मना करने से बोलते थे हमारी निजी जमीन है, ऐसे करके तालाब को पाट रहे थे। हम शिकायत किए, फिर आरआई पटवारी द्वारा आया गया, वो बता रहे हैं 3-3.5 एकड़ भी खाली तालाब को नापा गया है तो शासकीय जमीन में पाया गया 3-3.5 एकड़ उनके कहन। अभी इसके बाद से सीमांकन के लिए और लगाएंगे पूरी जमीन के लिए कितनी शासकीय जमीन है। कल कुछ ये पता चला था कि कुछ शासकीय तालाब कोई एक तालाब है उसके मेड़ को शायद पाटा जा रहा है, उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है और मौके पर आरआई पटवारी गए थे। उस पर कुछ खसरा नंबर जो है वो निजी भूमि शासकीय भूमि में मिले हुए हैं, तो आज वहाँ पे एक राजस्व एक टीम गया हुआ है, वहाँ पे सीमांकन की कार्रवाई की जा रही है।